हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो जितने बच्चे हुए हैं हम उनकी आप सबसे बात कराएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी करी है, कितने नंबर थे, स्टेनो कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे, ओवरऑल सारी चीज़ों पे हम आपसे बात करेंगे। राधा जी हैं, इनका ग्रेड सी में सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो गया है और इनको आर्मी हेडक्वार्टर मिल गया है AFHQ। सबसे पहले तो राधा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके उचित मार्गदर्शन के बिना ये तो बिल्कुल असंभव था, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा राधा, पहले सबसे पहले इन लोगों को ये बताना है कि आपने कितने समय तक का स्टेनो को प्रैक्टिस की है और घर में कितना समय आप स्टेनो में देती थी और कितना क्या था, जो बातें वो आप स्पष्ट बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे लगभग 14 से 15 महीने हो गए हैं कोचिंग करते हुए, और कोचिंग में मैंने लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम दिया है। घर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी लेकिन गलतियाँ होती थी, इसलिए मैंने प्रेफर यही किया कि कोचिंग में ही सर के सामने ही डिक्टेशन लिखी जाए, जिससे ये पता चल जाता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो कोचिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है, अकेले सेल्फ स्टडी से ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप घर पे नहीं पढ़ सकते, या फिर ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। अगर आपकी पहले से बेसिक कंप्लीट है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, बाकी प्रेफर यही करेंगे कि आप ऑफलाइन कोचिंग करिए। अच्छा, हम ये भी एक पूछना चाहते हैं, जो रामधारी है उसके लिए आप लोग क्या करें? बच्चे कहते थे रामधारी की प्रैक्टिस करनी है, सी के लिए कुछ स्पेशल तैयारी करी थी कि रामधारी की ही प्रैक्टिस करते रहे, और कैसा क्या रहा वो भी बताइए। देखिए, मुझे ये बताने की ज़रूरत वैसे तो है नहीं, क्योंकि जिन्होंने पहला वाला स्किल दिया था जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें आप लोगों ने देखा था रामधारी नहीं आई थी, तो वो वाला स्किल भी मेरा अच्छा हुआ था, क्योंकि सर तो रामधारी बिल्कुल प्रेफर करते ही नहीं थे। बाकी जो निबंध है, निबंध वाली पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, जो अदर सोर्सेस है, उन्हीं से हम लोग डिक्टेशन बोलते थे, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाद में जो रामधारी बोली गई, तो वो लास्ट टाइम केवल जो सर ने ऑनलाइन डिक्टेशन दिए हम लोगों को, केवल वो उसकी प्रैक्टिस हम लोग स्पीड बढ़ाकर करते थे, मेनली सी के लिए, क्योंकि उसमें 100 की स्पीड मांगी जाती है, तो लगभग अगर आप 80 की स्पीड को 1.5 गुना या 2 गुना करके लिखेंगे तो आपकी ग्रेड सी से आराम से निकल जाएगा। अच्छा, टाइपिंग के लिए भी बता दीजिए, टाइपिंग थी वो कैसे क्या रहता था, तो टाइपिंग के बारे में बता दीजिए कि कितने पहले टाइपिंग कैसे करती थी, लास्ट टाइम कैसे करिए टाइपिंग। सबसे पहले तो आपको बेसिक टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। टाइपिंग में ये है कि आप अगर बेसिक सीख जाते हैं कीबोर्ड पर हाथ लगाना, उसके बाद आप नॉर्मल किताब से देखकर टाइप करिए। अगर आप किताब से देखकर टाइप करना सीख गए हैं, थोड़ी बहुत स्पीड आ गई है, उसके बाद ही आप स्टेनो को देखकर उसमें से टाइप करिए, क्योंकि मेन होता है स्पीड का। अगर आपकी अच्छी खासी स्पीड है तो उसके बाद स्टेनो देखकर लिखने में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं प्रेफर यही करूँगी कि पहले आप बेसिक से अच्छी सी स्पीड ले लीजिए, जो कि बुक से देखकर टाइप की जाती है। अच्छा, ये लास्ट सवाल है, जो रिटर्न है, रिटर्न के बारे में बच्चों को बताइए कि रिटर्न की जो तैयारी है वो कैसे करें, और जो 2023 में जो होना है उसमें क्या क्या तैयारी करनी है, बस ये और बताइए। 2023 वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने तैयारी शुरू की है, सबसे पहले तो वो अपना बेसिक कम्प्लीट करें अच्छे से, और उसके बाद अगर बेसिक कंप्लीट हो गया है या जिनका बेसिक ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वो केवल मॉक टेस्ट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पर ध्यान दें। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो ज़रूर लगाएं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिछले 5 सालों के, उसके पहले के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसकी 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, और मॉक टेस्ट के साथ उसका एनालिसिस जरूर करिए। भले मॉक टेस्ट आप 1 घंटे का दें, लेकिन उसके एनालिसिस में 2 से 3 घंटे जरूर दीजिए, और कोशिश यही करिए कि जो गलती एक मॉक टेस्ट में हो गई है वो नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में ना हो, इसलिए बस मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इनका राधा जी का ESIC था ना? हाँ, ESIC में एक पोस्ट थी OBC की, उसमें भी इनका स्टेनो निकल चुका था, 1.5 नंबर से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वहाँ पे काफ़ी परेशान हुई थी, लेकिन आज यहाँ पे ग्रेड सी में इस SSC स्टेनो ग्रेड सी में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया और इनके मन का डिपार्टमेंट मिल गया है, तो ये बहुत खुश हैं। बाकी जैसे ही फिर अगले बच्चे आएंगे, कोई मिलने आता है, हम आपका फिर से उन बच्चों से बात कराएंगे, तब तक